आप सभी लोगों को नमस्कार। आज की वीडियो बैटरी के प्रॉब्लम के ऊपर है और ये दो तीन कमेंट आ चुके हैं जो बैटरी के एक सेल जब फॉल्ट हो जाते हैं, जिसकी ग्रेविटी डाउन हो जाती है, उसके ऊपर ये वीडियो बन रही है। जैसे बैटरी का एक सेल ख़राब या एक सेल का ग्रेविटी कम होना, ठीक है। तो अब वहाँ पर डिटेल दिए हैं कि सबका 1250 ग्रेविटी है, एक सेल का ग्रेविटी जो है डाउन है 1120 है। तो यानी 1120 होने का मतलब कि इस सेल का जो है कंडीशन डीप में है। तो डीप का जो स्टेज होता है 1120 होता है, फुल जो बैटरी होती है 1250 होता है। अब बहुत ध्यान से सुन लें क्योंकि बहुत सारे जगह पे बैटरी लेड एसिड की लगी है और आज भी बैटरी अभी लेड एसिड का बिक ही रहा है। लिथियम बैटरी चूँकि कुछ महंगे हैं और अभी डिमांड में जो है थोड़ा सा कम है, लेकिन ये सब सारे प्रॉब्लम का उसमें नहीं होता है लिथियम वाले में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे हमारी लेड एसिड की बैटरी है, पहले कंप्लीट जान लें, इसमें 6 सेल होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये दो दो पोर्ट के सेल होते हैं। तो यहाँ पे अगर 2 से गुणा करेंगे तो ये 12 आएगा, ठीक है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, ये 12 वोल्ट का बैटरी है। अब इसमें जो एक एक सेल जब चार्ज होते हैं तो 2.4 होता है और जब सेल डाउन होते हैं तो 1.8 होता है। कैसे, देखिए जैसे जैसे ये फुल का कंडीशन अगर देखेंगे तो 2.4, तो एक सेल का जो हो गया, यानी हम 2.4 को ऐसे लिखते हैं ऐसे, लेकिन 2.4 वोल्ट, 2.4। अब ये अगर आप इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे ये 2 के हिसाब से जोड़ेंगे तो 12 हो गया, फिर 4 के हिसाब से जोड़ेंगे तो ये 4 6 24, तो यहाँ पे 12 में ये अगर पॉइंट जोड़ देंगे तो 2 जुड़ जाएगा, तो 2 यानी जैसे 24 हुआ तो ये 12 और 2 14, ठीक है, ये हो गया बैटरी का फुल कंडीशन। जब बैटरी चार्ज हो रही हो इन्वर्टर से तो उस समय जब फुल बैटरी होगा तो 14.4 वोल्ट यानी 14.4 वोल्ट ये हो जाएगा। अब इसी कंडीशन में मान लीजिए सबके जैसे ग्रेविटी अगर 1250 है तो 2.4 वोल्ट होगा। अब इस वोल्टेज को चेक करने के लिए हमारे बैटरी के ऊपर कई वीडियो बने हैं, आप उसमें देख सकते हैं कैसे चेक कर सकते हैं। एक पे मल्टीमीटर का प्रॉब लगाकर तो इसके ये जो ढक्कन है इसको खोल लें और खोलने के बाद इंटरनल सेल का जो वहाँ पे ऐसे ऐसे सेल अंदर बने होते हैं, ऐसे ऐसे धारी दिखेगा आपका, जैसे जितने प्लेट के होते हैं उसी प्लेट पे आप टच करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो 2.4, फिर यहाँ पे आएंगे तो 2 2 4 5 वोल्ट बताएगा, फिर ऐसे आएंगे यहाँ पे एक कामन मतलब माइनस पे लगाए रखें और ऐसे देखते हुए यहाँ तक सारे पोजिशन चले आएँ। जिस बैटरी के बाद जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 है तो इसके बाद बढ़ना चाहिए, अगर बढ़ेगा नहीं डाउन होगा तो वो सेल ख़राब होगा। या यहाँ पर बढ़ेगा मतलब 2 2 4 2 6, अब 6 के बाद जो है यहाँ पे आए फिर 6 ही है तो यहाँ पे 8 होना चाहिए, अगर ये नहीं बढ़ रहा है तो आगे माइनस होगा तो ये सेल ख़राब होगा। इसी तरीके से इधर कामन करके मल्टीमीटर का प्रॉब यहाँ लगा कर और एक ऐसे देखते जाए, जैसे इधर से देखे हैं तो ऐसे इधर यहाँ पे जो है माइनस का प्रॉब लगेगा डीसी के रेंज पे और यहाँ प्लस का प्रॉब लगेगा। तो यहाँ पे माइनस कामन हो गया, यहाँ पे प्लस कामन हो गया, ये मल्टीमीटर का बात कर रहे हैं, उससे आप चेक कर सकते हैं। अब चलिए आगे, ये तो हो गया फुल बैटरी का। अब यहाँ पे जब डाउन होता है अब डाउन का होता है ये 1.8 वोल्ट, तो अगर एक वोल्ट से देखेंगे तो 6 वोल्ट हो गया, ठीक। और अगर 8 से यहाँ पे गुणा करेंगे 6 से तो 8 6 48, तो ये जैसे 6 8 6 48, तो इसमें 4 प्लस हो जाएगा तो 6 4 10 बराबर 10 वोल्ट और 48, यानी जैसे 4 6 48 ये हुआ ऐसे, तो 48 में ये 4 यहाँ पे जुड़ जाएगा 6 में, ये 6 सेल है और 4 ये, तो 6 4 10, तो ये 10.8 हो गया टोटल वोल्ट, ये हो गया डाउन कंडीशन का। यहाँ पे अगर 10.8 वोल्ट आएगा तो ये डाउन कंडीशन में होगा, इससे बैटरी नीचे नहीं जानी चाहिए, ठीक है, 10.8 से।
तो किसी किसी में होता है 10.5 तक, 10.5 तक, 10.2 तक ले जाते हैं, लेकिन 10.2 पर ले गए अगर लाइट तुरंत नहीं आई और 2 दिन लग गया, 24 घंटे बाद लाइट आई, तो उस समय भी बैटरी को ग्रेविटी का डाउन होने का बहुत डर रहता है, क्योंकि बार बार अगर 2-3 घंटे के लिए आई, 4 घंटे के लिए लाइट आई, तब भी बैटरी चार्ज नहीं हो पाता। अब देखिए इसका सोल्यूशन क्या है जिसके लिए लोग कमेंट किए हैं। ये तो आप दो दो कंडीशन जान गए, बैटरी फुल का और बैटरी डाउन का, यानी ये डाउन कंडीशन है, डाउन, और ये है 14 पॉइंट, यहाँ पॉइंट की जगह पे हम बी लिखे हैं, ये भी 8 मान के चलिए। फोर इस समय की जो बैटरी आ रही हैं वो पहले 12 मतलब सॉरी 14.4 था, लेकिन अभी 8 मान के चलिए, ये 15 वोल्ट तक चार्जिंग जाता है, ठीक है। उसके बाद धीरे 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 जो ट्रिकल चार्जिंग है उसका मोमेंट चेंज होता जाएगा, बैटरी का वोल्टेज जो है डाउन होता जाएगा। इन्वर्टर में ऑटोमेटिक चार्जिंग का जो लेवल होता है, या जैसा इन्वर्टर डिज़ाइन किया गया हो चार्जिंग के लिए, उसी स्टेज में आकर एम्पियर को डाउन करते हुए बैटरी की ग्रेविटी को मेंटेन रखता है, ठीक है। अब देखिए इस प्रॉब्लम को कैसे, ये फुल फुल चार्ज, अब यहाँ पर आइए ये देखते हैं कि बैटरी का जो प्रॉब्लम है कि अगर सबके 1250 हैं और एक के जो है 1120 हैं, तो इसके लिए क्या करें। इसके लिए सबसे आसान तरीका हम आपको बता दें जो हमने प्रैक्टिकली कराया है और उसमें सक्सेस भी मिला है। देखिए अगर इंटरनल इसका जो प्लेट बैटरी का अगर ब्रेक नहीं होगा, टूटा नहीं होगा, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कैसे देखिए अभी बताते हैं आपको। ऐसे एक प्लास्टिक का मग ले लीजिए, और इसमें क्या करिए, ये जो इसके अंदर एसिड है उसे आप इसके ग्रेविटी जो ऐसे है, इससे आप जो है इसको जो है ऐसे दबा के और अंदर से निकाल निकाल के इसमें डाल दीजिए जितना हो, ठीक है। ऊपर से निकालने के बाद जितना आप निकाले इसमें, तो इसको खाली कर दिए ऊपर से जहाँ तक पहुँचा वहाँ तक, क्योंकि नीचे भी है, लेकिन आपको बस केवल प्लेट तक के सारे एसिड को निकाल लेने हैं। और निकालने के बाद इसमें डाल दीजिए मग में। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसमें में से किसी में से या सब में से थोड़ा 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 सा इसमें लेकर यहाँ से इसमें डाल दीजिए, फिर थोड़ा सा इसमें लेकर इसमें डाल दीजिए, फिर थोड़ा सा इसमें लेकर इसमें डाल दीजिए, फिर थोड़ा सा इसमें लेकर इसमें डाल दीजिए, यानी जितना ये निकाले हैं ये पांचों में से जो है थोड़ा थोड़ा ग्रेविटी वाला एसिड इसमें डाल दीजिए। डालने के बाद अब जो इसमें जितना आप निकाले हैं इसको लेकर दोबारा इसमें पाँचों खाने में, यानी पाँचों में जो है यही चीज़ें, ये जो निकाल कर आप इसमें से निकालें, यही चीज़ें इसमें डाल दीजिए, ठीक। ये आपका एक्स्ट्रा डालना नहीं पड़ा। अब इसके बाद जो है आप बैटरी के वाटर को डाल सकते हैं, लेकिन अगर सब में बराबर है तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे जो निकाले उसमें डाल। अब इसमें थोड़ा सा दबा कर देखिए ग्रेविटी उतना आया कि नहीं, अगर नहीं आया या उतना आपका आ गया है, क्योंकि इसमें से ग्रेविटी था तो कुछ ज़रा सा इससे डिफरेंस होगा और बाकी इसमें बताने लगेगा। उसके बाद आप लगा दीजिए इसको बूस्ट चार्जिंग में, ठीक है। यानी बूस्टर अलग से आता है, जैसे लुमिनस वाले निकाले हैं हमने, दिखाया है अपने कई वीडियो में बैटरी के बारे में कि कैसे अलग से इसमें एक बूस्टर लगा दीजिए और ये चार्ज हो जाएगा। तो इसको चार्जिंग पे लगा दीजिए, चार्जिंग पे लगाने के बाद 24 घंटे के बाद देखेंगे तो इसकी ग्रेविटी जो है जितना है सबका बराबर हो जाएगा और बैकअप बराबर देने लगेगा। ये मेरा जो एक्सपेरिमेंट है इस पे हमने किया है ऐसा। वैसे अक्सर ये अगर बहुत दिन का अगर है, एक सेल फॉल्ट हो गया, मान लीजिए 3 साल ऊपर का है, और वो कंडीशन इस समय आ रहा है कि यानी 3 साल के बाद, तो यहाँ पर प्लेट का डैमेज होना ज़्यादातर 90% आशा होता है, क्योंकि अंदर से वो सड़ जाता है तो वो कभी कभी डिसकनेक्टिंग हो जाता है, तो वो बहुत कम चांसेस रहता है सही होने के। लेकिन अगर पहले का है, 2 साल का है, 1.5 साल का है, यानी 3 साल के अंदर का कंडीशन है, तो ये ऐसे मेथड से ये सही भी हो जाते हैं, और हमने ज़्यादातर ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, और देखते रहिए।